हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK3D क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग में, मैंने आपको पार्ट 2 तक आप क्लियर किए थे। आज पार्ट 3 है और टाइप आपका है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड्स टू वर्ड्स, फिर लेटर टू सिंबल है। तो आज ये चैप्टर आपको कम्प्लीट हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन तरीके से। तो इसमें कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कॉमन से संबंधित उसमें रहता है उससे संबंधित है। तो उसमें पहला क्वेश्चन ने दिया है, यदि किसी संकेतिक भाषा में पिट NAE, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्या लिखा रहता है, टॉम TOM का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन, HAE फॉर हो का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट, ये दिया है, और यह हो TOM का अर्थ है शर्ट इज वाइट, तो एप्पल का कोड क्या होगा, तो एप्पल का कोड क्या होगा। एकदम बेहतरीन तरीके समझिए, ये एक ही क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कॉमन देखना है, देखिए इसमें PIT लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए कहीं लिखा है, इसमें देखिए लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब इसके बाद पहले इसमें कॉमन ही देखना है, पहले आप PIT इस तरफ देखिए, कहीं लिखा है, इसमें भी देखिए कहीं लिखा है, इसमें भी देखिए लिखा है, नहीं लिखा है। अब इसमें NAE को देखिए, इसमें है, इसमें NAE है, तो उसमें आप क्या कर देना, गोला कर देना है, क्या कर देना है, गोला कर देना है। अब इस दोनों में ही कॉमन आपको देखना है, आपका एप्पल इज ग्रीन, देखिए इसमें ग्रीन लिखा हुआ है, इसमें भी ग्रीन लिखा हुआ है, ये आपकी स्माल में है, ये आपको ग्रीन लिखा था। इसका मतलब ये होता है HAE का कोड होता है आपका HAE का ही कोड होता है ग्रीन। अगर पूछता तो, यदि पूछता HAE का पूछता तो दोस्तों हो जाता है आपका ग्रीन हो जाता है, क्या ग्रीन, ग्रीन हो जाता। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पर लिखा है टॉम, अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें भी देखिए टॉम लिखा है, नहीं लिखा, इसमें देखिए टॉम लिखा है, तो आप गोला करिए, इसमें गोला करिए। अब इसमें इसमें आपको कॉमन देखना है, देखिए इसमें इज है, इसमें आपका इज है, यदि मान लिया जाए TOM का कोड पूछता तो आपका हो जाता क्या, आपका हो जाता इज, क्या हो जाता, इज हो जाता टॉम का पूछता। अब देखिए, अब इसमें कॉमन हो गया, पिट तो मिला नहीं, इसमें देखिए फार लिखा है, फार इसमें कहीं लिखा ही नहीं ऊपर नीचे में। अब हो को देखिए, हो लिखा है, इसमें भी हो लिखा है, तो इसमें आपको इस दोनों में ही कॉमन आपको देखना है, वाइट आपको क्या लिखा है, कॉमन लिखा है वाइट, ये मिल रहा है ये। तो अगर हो का कोड पूछता तो यहाँ पर दोस्तों हो जाता वाइट हो जाता, परंतु यहाँ पर पूछ रहा है एप्पल, एप्पल का कोड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इसका कोड तो मिल गया, इसका कोड मिल गया, यहाँ पर PIT लिखा हुआ है, यहाँ पर छूटा है एप्पल, तो एप्पल का कोड जो हो जाएगा, एप्पल का कोड जो हो जाएगा टॉम TOM, ये क्वेश्चन है। तो एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आया होगा, टोटल मैंने क्वेश्चन निकाल दिया। अब मान लिया जाए कि शर्ट का कोड पूछा जाता तो का हो जाता, यदि आपको एंड का कोड पूछा जाता तो फार हो जाता, ये भी हो जाता। अगर क्वेश्चन पूछा था HAE का कोड यहाँ पर ग्रीन देखो, टॉम का कोड इज है, सब टोटल क्वेश्चन मिल गया, व्हाइट का कोड हो है, एप्पल का भी आपका जो टॉम आपको निकल आया क्वेश्चन, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर किए। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है, एक एक क्वेश्चन से आपको ध्यान देना है, तो विकल्प नंबर कौन सा आपका सही है, विकल्प नंबर इसमें किसका कोड पूछ रहा है, एप्पल का संकेतिक कोड क्या होगा, तो ई नंबर एप्पल का कोड टॉम नहीं, एप्पल का कोड पिट PITE, एप्पल कोड पिट, तो मतलब कि ई नंबर क्वेश्चन आपका सही है, एप्पल का कोड आपका पिट होगा, PITE लिखा है, तो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखना है, एक ही दो क्वेश्चन से आपको इसको क्लियर करना है, एक ही दो क्वेश्चन से क्लियर करना है। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संकेतिक भाषा में, फिर क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संकेतिक भाषा में GUDA गुड्डा गुडा बुका, यहाँ लिखा है आपका गुडा बुका का अर्थ है CLEAR क्लियर वाटर, ये लिखा है, फिर यहाँ पर किसी संकेतिक भाषा में PIN
गोल का अर्थ है ओ वी ई आर सी ए एस टी एस के वाई लिखा है। फिर यहाँ पर पी आई एन एस ए एफ बी यू के ए का कोड लिखा है सी एल ई ए आर, ब्लू का कोड लिखा है एस एस के वाई, ये लिखा है। तो पूछ रहा है इसमें ब्लू का कोड क्या होगा, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है ब्लू बी एल यू ब्लू का कोड क्या होगा। कहने का मतलब किसी संकेतिक भाषा में गुडा बुका का कोड लिखा है क्लियर वाटर, पी आई एन गोल का लिखा है ओवरकास्ट स्काई लिखा है, पिन सॉफ बुका का लिखा है क्लियर ब्लू स्काई। तो पूछ रहा है इसमें ब्लू का कोड क्या होगा, तो एकदम बेहतरीन तरीके से उसी तरह आपको पढ़ना है, इसमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर गुडा लिखा हुआ है, यहाँ पर तीनों में देखिए गुडा है, इसमें भी गुडा है, नहीं है, इसमें आपको बुका लिखा हुआ है, इसमें आपको बुका है, देखिए इसमें बुका आपका मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी आपको इस दोनों में ऊपर नीचे ही आपको देखना है, कॉमन वाला देखना है। तो इसमें क्लियर लिखा है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर क्लियर का कोड देखा जाता तो बी ई बी यू के बुका हो जाता कोड। यहाँ पर यदि देखा जाए फिर इस दोनों में कोड, अगर पिन देखो लिखा है, यहाँ पिन लिखा है, तो यहाँ पर इस दोनों में आपको कोड देखना है, यहाँ पर स्काई लिखा है, यहाँ पर स्काई लिखा है, यदि स्काई का कोड पूछा जाता तो पिन हो जाता, स्काई का कोड यदि पूछा जाता तो यहाँ पर पिन हो जाता, परंतु यहाँ पर कोड किसका पूछ रहा है, ब्लू का कोड पूछ रहा है, तो ब्लू यहाँ पर ये बच जाता है, यहाँ पर आपका सॉ बच जाता है, तो आप कौन हो जाएगा यस ओ एफ, यस ओ एफ ए, आप कोड सॉफ हो जाएगा। यदि वाटर का कोड पूछा जाता तो आपका गुडा हो जाता, यदि ओवरकास्ट का कोड पूछा जाता तो गोल हो जाता। अब यहाँ पर विकल्प नंबर आपको सी दिया है, विकल्प नंबर आपका सी दिया है सॉफ, यस ए एफ, यस ए एफ सॉफ, ई नंबर सी नंबर आपका विकल्प दिया है दोस्तों, तो सी नंबर आप विकल्प इसको मार सकते हैं। तो आपका दो क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया कॉमन कोडिंग डी कोडिंग का। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी तरह का दिया है, एकदम बेहतरीन तरीके से टोटल क्वेश्चन देखना है। देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, किसी भी एग्जाम में आप देंगे, कोई किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे भी, तब भी आपको क्वेश्चन कोई छूटेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है। फिर अगला क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन अगला दिया है, जो किसी संकेतिक भाषा में 786 का अर्थ है गिव मी एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल, ये लिखा है। फिर लिखा है 958 का अर्थ है, ये लिखा है इल ई ए एल ग्रीन एप्पल ए लिखा है। अब देखिए 645 का कोड है गिव ग्रीन फ्रूट एफ आर यू आई टी, ये दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अब इसमें पूछ रहा है कि मी का कोड क्या होगा, इसमें पूछ रहा है तो बताइए मी का कोड क्या होगा। देखिए अब मैंने पहले आपको बताया था आपको कॉमन लेना है, आपको कॉमन देखना है कि कॉमन इसमें देखिए 7 लिखा हुआ है, देखिए पहले आपको इसमें से देखना है, बाएं तरफ से देखना है, तो इसमें 7 लिखा है, देखिए कहीं 7 लिखा हुआ है, 7 कहीं नहीं लिखा हुआ है, 8 देखिए इसमें 8 लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है, अगर यदि इसमें 8 लिखा होता तो इसमें भी देखा जाता, तो तीनों में कॉमन देखते तीनों में भी कॉमन इसमें देखा जाता है। अब इसमें आपको कॉमन देखना है, अब देखिए आपको क्या कॉमन है यहाँ पर देखिए एप्पल, यदि एप्पल का कोड पूछता तो दोस्तों 8 हो जाता, क्या हो जाता 8 हो जाता, 8 ही है, 8 मी का पूछ रहा है। अब यहाँ पर सी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सी लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इस पहले वाले थर्ड वाले में देखना है कि क्या कॉमन है। देखिए इसमें गिव लिखा है, इसमें आपका गिव लिखा है, यदि गिव का कोड पूछा जाता 6 हो जाता, क्या हो जाता 6 हो जाता। अब देखिए यहाँ पर
सेवन इसमें मिल नहीं, इसमें नाइन, इसमें नाइन कहीं मिल नहीं रहा, और इसमें फाइव लिखा हुआ है, इसमें फाइव लिखा हुआ है, तो आप इस दोनों में कॉमन देखिए। देखिए इसमें ग्रीन लिखा हुआ है, ये ग्रीन लिखा है, यदि ग्रीन का कोड पूछा तो पाँच हो जाता, क्या हो जाता, पाँच। श्योर कि आपको कॉमन मिलेगा, कॉमन आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर सेवन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर नाइन लिखा है, यहाँ पर चार लिखा है, मिल नहीं रहा है। तो देखिए यदि यहाँ मी अकेल बच जाता है, यहाँ पर मी अकेल बच जाता है, तो मी का कोड क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। यदि आपका इल, इल का कोड होता नौ हो जाता, यहाँ पर फ्रूट का कोड पूछा जाता तो आपके इसका चार हो जाता, आप कितना हो जाता इसका, चार हो जाता। तो मी का कोड पूछा है तो मी का कोड हो जाएगा सेवन। विकल्प नंबर कौन सा, बी आपका सही है, तो बी नंबर विकल्प आपका सही है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, तो मैंने तीन क्वेश्चन इससे संबंधित आप क्लियर किए, ए कॉमन, कोडिंग डी कोडिंग, कॉमन लेकर चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दिया, चाहे जितना कई क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, गिव का कोड बताइए, एप्पल का कोड बताइए, ग्रीन का कोड बताइए, इल का कोड बताइए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इसमें पाँच छः क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने आपको क्लियर किए तीन क्वेश्चन से। अब अगला है वर्ड्स टू वर्ड्स, शब्द शब्द का आपका देखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम से संबंधित टोटल क्वेश्चन है ही, ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ही ना। अब ये है अगला टॉपिक, ये है वर्ड्स टू वर्ड्स क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये है, यदि यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को लाल कहा जाए तो कपड़े की धुलाई का क्या प्रयोग होता है। देखिए क्वेश्चन में कहा है पहले नारंगी, यहाँ मैं लिखता हूँ नारंगी को कहा जाता है मक्खन, क्या कहते हैं, मक्खन। ये अब कह रहा है मक्खन को साबुन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मक्खन को, मक्खन को दोस्तों साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। फिर कह रहा है साबुन को स्याही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही, स्याही कहा जाता है। फिर कह रहा है स्याही को शहद कहा जाता है, स्याही को, स्याही को शहद, स्याही को शहद कहा जाता है। तो शहद को फिर कहा जा रहा है, शहद को लाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है। तो कपड़े की धुलाई किससे होती है, कपड़े की, कपड़े की धुलाई किससे होती है। देखिए देखिए जो नारंगी को मक्खन, एक क्वेश्चन से समझ जाएंगे, एक प्रश्न ही से समझ जाएंगे, नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को लाल कहा जाता है। तो दोस्तों कपड़े की धुलाई हम किससे करेंगे, सीधी सी बात है कि हम कपड़ा किससे धुलते हैं, साबुन से धुलते हैं, पाउडर से धुलते हैं। तो यहाँ पर कपड़े की धुलाई हम किससे करते हैं, साबुन से करते हैं, कहे से, साबुन से। परंतु साबुन को कहा क्या गया है इसमें, ये ध्यान देना, बाएं तरफ से इसे आना है कपड़े, हकीकत पहले इसका एग्जैक्ट निकालिए कि कपड़े की धुलाई हम हकीकत में करते किससे हैं। तो कपड़े की धुलाई हकीकत में हम साबुन से करते हैं, परंतु साबुन को कहा क्या गया है, साबुन को स्याही कहा गया है, क्या कहा गया है, स्याही कहा गया है, स्याही। तो विकल्प नंबर हमारा स्याही वाला सही होगा, विकल्प नंबर आपका बी आपका सही है, तो बी नंबर आपका विकल्प सही है। ये ऐसे आपको टोटल क्वेश्चन देखना है, एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा, एग्जैक्ट समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। अब इसी के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन आपको जैसे ही पढ़ा दिया जाता है वैसे आपको बुक से क्वेश्चन लगाना है ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ क्लियर होता है, बिना प्रैक्टिस किए कोई चीज़ क्लियर नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन है ये, यदि आपको पानी कहा जाए, आपको पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिस कहा जाए, और तपिस को ठंड कहा जाए, ठंडक कहा जाए, तो प्यासे की ज़रूरत क्या होगी, ये कह रहा है। देखिए फिर से मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ कह रहा है आग को पानी, आग को पानी कहा जाए, पानी, पानी को, पानी को हवा कहा जाए, हवा को यहाँ पर भोजन कहा जाए, भोजन, फिर कह रहा है भोजन, भोजन को, भोजन को भूख, भूख
भूख कहा जाए, भूख को प्यास, भूख को प्यास, भूख को क्या कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिस कहा जाए, प्यास को तपिस, प्यास को तपिस कहा जाए, कहा जाए तपिस को ठंडक, तपिस को ठंडक, तपिस को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे को क्या जरूरत, प्यासे को कहाँ जाना पड़ेगा, ये प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत होगी ये कह रहा है। तो देखिए आग को पानी, आग बुझाने के लिए पानी, देखिए प्यासे को प्यास बुझाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हकीकत में हमको प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, हकीकत में ज़रूरत है इसकी। तब जब प्यास लगती है तो हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, हम पानी पीते, तभी पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाता है। तो हमको यहाँ आग को पानी कहा जाता है, पानी को हमको पानी की आवश्यकता पड़ रही है भैया, हम पानी की आवश्यकता किस, पानी को हम कह क्या रहे हैं, तो पानी को हम हवा कह रहे हैं ना, पानी क्या कह रहे हैं, हवा, तो हमको हवा, प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत, हवा। तो विकल्प नंबर आपका सी आपका सही है, सी नंबर आपका विकल्प सही है, ध्यान दीजिएगा सी नंबर आपका विकल्प सही माना जाएगा। तो प्यासे को किस जरूरत पड़ेगी, हवा की, क्योंकि पानी को यहाँ पर हवा कहा गया है। तो पहले हकीकत में निकालिएगा, उसके बाद वो उसको कहा क्या गया है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो तीन क्वेश्चन आप, दो क्वेश्चन मैंने आपको वर्ड्स टू वर्ड्स का क्लियर किया। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाए, समझिएगा, पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाए, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को व्यायामशाला कहा जाए, व्यायामशाला को सभागार कहा जाए, सभागार को सिनेमाघर कहा जाए, सिनेमाघर कहा जाए, तथा सिनेमाघर को अस्पताल कहा जाए, तो बताइए मुकदमे का फैसला कहाँ पर होता है। इसमें पूछ रहा है सीधी सी बात, मैं लास्ट वाले दे रहा हूँ, मुकदमे का फैसला कहाँ होता है। देखिए जो मुकदमा होता है हकीकत में उसका फैसला जो होता है न्यायालय में होता है, हकीकत में उसका फैसला जो होता है न्यायालय में होता है। तो देखिए भैया न्यायालय को कहा क्या गया है, न्यायालय को कहा गया है विद्यालय, न्यायालय को क्या कहा गया है, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, तो न्यायालय को यहाँ पर हमको न्यायालय कहने का मतलब मुकदमे की सुनवाई कहाँ पर होगा, मुकदमे की सुनवाई जो होता है न्यायालय में होता है, परंतु भैया न्यायालय को कहा क्या गया है, विद्यालय कहा गया है, तो हमारा उसमें विद्यालय जो विकल्प दिया होगा वही उसका आंसर माना जाएगा। तो कौन नंबर है, सी नंबर आपका विकल्प सही है। तो आपके क्लियर हुआ क्वेश्चन, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन ये आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन अगला है, ये कॉमन कोडिंग रिकॉर्डिंग हुआ, वर्ड टू वर्ड हुआ, एक अगला टॉपिक इसी में आ जाता है, लेटर सिंबल, लेटर, लेटर टू सिंबल, 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 ये कह रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये यहाँ पर अक्षर दिया है, देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये अक्षर दिया है यहाँ पर, यहाँ पर बी एम के ए टी आर ई यू एन एच एफ आई डब्लू डी पी, ये दिया है, फिर दिया है सात दिया है, प्रतिशत दिया है, पाँच दिया है, एट द रेट दिया है, सिक्स दिया है, सिक्स दिया है, फिर यहाँ पर नौ दिया है, यहाँ पर आठ दिया है, यहाँ पर दो दिया है, यहाँ पर सी करके गोला में ऐसे किया है, यहाँ पर एट द रेट दिया है, एक दिया है, हैश दिया है, फिर यहाँ पर आई का एंड दिया है, फिर तीन दिया है, स्टार ऐसे दिया है, फिर यहाँ पर चार दिया है,
ये दिया है, इस तरह क्वेश्चन दिया है। ऐसे देखिए ध्यान से, ये दिया है, इसमें दिया है किसी संकेतिक भाषा में, क्या दिया है, किसी संकेतिक भाषा में बी एम के टी ऐसे कोड दिया हुआ है। देखिए लेटर लिखा है, ये लेटर लिखा है, सिंबल लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है, कह रहा है कि आप आर एन, आर एन डब्लू डी, क्या बताना है, आर एन डब्लू डी ई एफ का कोड क्या होगा, आर एन डब्लू डी ई एफ का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ क्वेश्चन आ जाए तो लेटर सिंबल बहुत सरल है, आपको इसको समझने की ज़रूरत थोड़ा से है, बस थोड़ा से। देखिए आर लिखा है, आर का कोड इसमें क्या है, नौ, तो यहाँ नौ कर दो। यहाँ एन लिखा है, यहाँ पर एन का कोड क्या है, एट द रेट है। यहाँ डब्लू लिखा है, डब्लू कोड यहाँ तीन लिख दो। यहाँ पर डी लिखा है, तो डी का कोड यहाँ कहीं मिला, ये लिखा स्टार लिख दो। ये आप कहानी ई लिखा है, ई का कोड क्या है लिखा, ई का कोड आठ लिखा है, आठ कर दो। एफ लिखा है, एफ का कोड ये होता है, है, तो आपका विकल्प नंबर आपका कौन है, बी। तो विकल्प नंबर आपका बी जो दिया रहेगा, इसमें दिया है विकल्प में बी नंबर दिया है, तो बी नंबर सही है, क्वेश्चन लगा नहीं हुआ ये, तो आपका यही आपका विकल्प दिया रहेगा, तो यही आपका आंसर सही रहेगा। फिर अगर क्वेश्चन मान लो पूछ ले, अगला क्वेश्चन पूछ ले, इसी में पूछ ले, एम ए टी आर बी डब्लू, इसका कोड क्या होगा, तो कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो एम का कोड यहाँ पर देखो प्रतिशत लिखा है, ए का कोड अगर देखे हो तो सी लिखकर गोला किया हुआ है, टी का कोड देखते हैं सिक्स लिखा हुआ है, आर का कोड देखते हैं तो नौ लिखा हुआ है, बी का कोड देखते हैं तो यहाँ पर सेवन लिखा है, यहाँ पर डब्लू का कोड देखते हैं तो यहाँ पर तीन लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, इस तरह का लेटर टू सिंबल भी दिया रहता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेहतरीन तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको क्लियर किए, अगला टॉपिक जल्द ही कोई चैप्टर अच्छा सी आएगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।